करें कि रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है। तो हल में हम क्या करते हैं, यदि अपरिमेय है सिद्ध करना है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वह परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है तब परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार P और Q कॉमा Q नॉट इक्वल टू 0 दो पूर्णांक इस प्रकार हो सकते हैं जहाँ रूट फाइव बराबर पी बटे क्यू, रूट फाइव बराबर पी बटे क्यू, क्योंकि यह परिमेय संख्या है तो हम इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसे मान लेते हैं कि यह फर्स्ट समीकरण हुआ। अब यदि P और Q, यदि P और Q में एकांतर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, तब ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो हम इन दोनों को वर्ग करते हैं, यानी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, यदि दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ये फाइव हो जाएगा और इधर पी स्क्वायर और बट्टा में क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि हम क्यू को उस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा क्या, फाइव क्यू स्क्वायर और इधर पी स्क्वायर, इसे हम मान सकते हैं सेकेंड। अब यहाँ पर यदि फाइव को इस तरफ ले जाया जाए, फाइव को इस तरफ लिया जा ले जाया जाए तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन फाइव। अब फाइव क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये फाइव पी स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जब फाइव पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब है कि फाइव पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसे हम मान सकते हैं फोर्थ। अब यदि मान लिया जाए कि फाइव पी को विभाजित कर रहा है, फाइव पी को विभाजित करता है, तो हो सकता है कि एक बार में विभाजित कर दे, दो बार में विभाजित कर दे या तीन बार में विभाजित कर दे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो फाइव पी जो है पी बराबर फाइव गुने कुछ भी एन, और एन क्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है या पूर्णांक है, एक बार दो बार तीन बार चार बार या समथिंग, कितना भी बार में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे फाइव, अब यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, दोनों तरफ तो वर्ग करते हैं, ठीक है, इसे पुनः दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते
करने पर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 25 एन स्क्वायर। अब यहाँ से पी स्क्वायर और 25 एन स्क्वायर, यदि पी स्क्वायर का मान हम यहाँ पे सेकंड में प्रतिस्थापित कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर का मान सेकेंड में रखने पर यदि रखते हैं तो हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 एन स्क्वायर। अब 25 इस तरफ जाएगा तो ये तो 5 काट देगा, 25 और 5 इस तरफ जाएगा तो एन स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे बटे 5, ये 5 इस तरफ। अब यहाँ पे देखिए कि क्यू स्क्वायर बटे 5 उस टाइम आ रहा था पी स्क्वायर बटे 5, तो 5 पी स्क्वायर काट रहा था, इस पर 5 क्यू स्क्वायर को काटेगा, तो हम लिख सकते हैं कि 5 क्यू स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करता है। यहाँ पे पी एस अभी 5 किसको, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। अब इसका मतलब कि 5 क्यू को भी क्या करेगा, को भी विभाजित करेगा, इसको मान लेते हैं फिर। तो फोर्थ से हम क्या देखते हैं कि 5 जो है पी को भी काट रहा है और 5 क्यू को भी काट रहा है, तो हम फोर्थ एंड फिफ्थ से 5 पी और क्यू को विभाजित करता है, यानी पी और क्यू में एक के अलावा 5 भी क्या है, उभयनिष्ठ। तो ये हमारे इस कारण यह क्या है, असत है। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, विभाजित करता है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पी और क्यू में, यानी इससे विभाजित करता है, इसलिए चूंकि विभाजित करता है इसलिए 5, ठीक है, एम कॉमा एन, यानी एम सॉरी पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणन खंड। तो हम मान चुके थे कि रूट फाइव जो था वह क्या था, रूट फाइव क्या था, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 5 भी है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो हमारी मान्यता के अनुसार हमारी मान्यता के अनुसार पी और क्यू के एक से भिन्न उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, के विरोधाभासी है, यानी विरोध कर रहा है, क्यों, क्योंकि 5 भी है, इसलिए हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है असत है और सत्य है, अतः या इसलिए अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हम सिद्ध कर चुके। ठीक है,